पंजाब असेंबली का स्पीकर कौन? खुफिया राय शुमारी से फैसला आज होगा। स्पीकर के लिए पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही और नून लीग के इकबाल गुज्जर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर के लिए तहरीक इंसाफ के दोस्त मोहम्मद मिजारी और नून लीग के मलिक वारिस कल्लू के दरमियान मैच। नई असेंबली की पुरानी रीत, इजलास दूसरे रोज भी ताखीर का शिकार। नौ मुल्तकी अरकान की आमद का सिलसिला जारी। पंजाब असेंबली को तहाल छह अरकान के हल्फ का इंतजार। चौधरी निसार, सरदार मोहम्मद खान लगारी, उस्मा कादरी, नफीसा अमीन ने हल्फ ना उठाया। नून लीग के चार, एक तहरीक इंसाफ और एक आजाद रुकन शामिल। दो कदम का साथ फिर जुदाई, नून लीग को बड़ा झटका। सात नशिस्तें रखने वाले पीपल्स पार्टी का पोलिंग अमल में हिस्सा ना लेने का फैसला। आसिफ-ज़रदारी का पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा को फोन, पोलिंग अमल से लातालुक रहे। आसिफ-ज़रदारी की हिदायत, हमजा शहबाज की जेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को शिकस्त देने का आज़्म। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाबी मैच, कप्तान के खिलाड़ियों की भरपूर तैयारी। फ्लैटिस होटल में सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास, इंतखाबी अमल पर मुशावरत। पंजाब में वजारत आला का ताज किसके सर सजेगा? कप्तान की मुशावरत पर मुशावरत। 4 बजे बनीगाला में अहम इजलास तलब। असेंबली इजलास में शिरकत के लिए आने वाले अरकान की खूब आओभगत। अरकान के लिए गर्मा गर्म नाश्ते की तवाजो, हलीम बोंग पाए हलवा और मीठी लस्सी का खसूसी एहतमाम। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोट्स के इंदराज और मुंतकली के अमल का आगाज। वोटर जिमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने से पहले वोटों अंदराज और मुंतकली करवा सकते हैं इलेक्शन कमीशन। पीटीआई के नामजद स्पीकर पंजाब असेंबली की आज नैब में भी तलबी। आमदन से जायद असाजात का केस, नैब हुकाम ने चौधरी शुजात और परवेज इलाही को आज 11 बजे तलब कर लिया। नैब ने अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी को 27 अगस्त को बुला लिया। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। पाइन एवेन्यू पर कायम गैर कानूनी रेस्टोरेंट मिसमार। रावन रोड पर गैर कानूनी शेड, कॉलेज रोड पर गिरे स्ट्रक्चर मिसमार। खयाबानी अमीन सोसाइटी में भी तामीरात गिरा दी।